हेलो बच्चों, सीए फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और काफी अच्छे रिजल्ट रहे सर, परसेंटेज वाइज देखे जाए तो। बट कुछ लोग फेल हुए और मतलब मेरा ऐसा मतलब जो भी तक मैंने देखा सर, कुछ ऐसे बच्चे भी फेल हो गए शायद जिन्हें फेल नहीं होना चाहिए था। और हर बार ऐसा होता है सर, नहीं सीए इसी का नाम है। अब इशू यह है कि सर आप लोग बहुत ज्यादा इसमें परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं। मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं सर, वो लोग अपने लाइफ में रॉकस्टार की तरह जिंदगी जिए, जिन्होंने जी है अभी तक सर, लिटरली रॉकस्टार की तरह सर जिन्होंने जिंदगी जी है, चाहे वो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या कोई भी चीज रही हो सर, उन्होंने हमेशा लाइफ में बड़ा ही मतलब अच्छा किया है। इस बार फेल हो गए। आप लोगों में से भी सर कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं सर, बहुत परेशान होंगे क्योंकि आपका रिजल्ट सर नेगेटिव आया। किसी का ग्रुप 1 रह गया, किसी का ग्रुप 2 रह गया, किसी की एग्जेम्पशन है, किसी की एग्जेम्पशन नहीं है और किसी की बहुत ग्रुप्स रह गए। देखिए, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर्टिकुलरली आज मैं आपसे बहुत कम बात कर पाऊंगा, रीजन बीइंग सर समय थोड़ा सा कम है, पर मुझे लगा कि सर जरूर बात करनी चाहिए आज, क्योंकि सर आज आपका एक तरह से दोबारा जन्म होने वाला है। हर बार 6 महीने बाद सर सीए स्टूडेंट दोबारा पैदा होता है सर, मिट्टी में से पैदा होता है, मिट्टी में से बनता है सर, और फिर पूरी पहाड़ को चढ़ता है और फिर सर आईसीए हल्का सा हाथ लगा के गिरा देता है। बट कोई बात नहीं, हार नहीं माननी सर। सबसे पहला प्रिंसिपल यही है, विल नेवर लूज होप, राइट। एंड सर साथ ही साथ हम लोगों को दोबारा से मेहनत करनी शुरू करनी है। पिछली बार मैंने एक सीरीज बनाई थी सर, उसकी सारी वीडियोज आपके पास हैं, आप वो देख सकते हैं कि कैसे अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करके उठाएं। इस बार मैं कोई सीरीज नहीं बना रहा सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, बट हाँ मैं एक बहुत लेंदी वीडियो जरूर बनाऊंगा सर। वो वीडियो आपके पास तक आई अज्यूम कल या परसों तक पहुंचेगी। बट अभी के लिए बच्चों, मुझे आपसे जो बात करनी है उसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत 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 ध्यान से। देखिए, आप मान लीजिए मैं फेल हूं, यस मैं फेल हूं, सीए फाइनल में सर मैं भी फेल हूं। अब मैंने भी ये चीजें देखी हैं जो सर शायद आप जिसमें अभी आप गो थ्रू कर रहे होंगे। लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है, बस सीए एक ऐसा कोर्स आ गया सर जिसने नाक में दम कर रखा है। काफी तरह की प्रॉब्लम्स, एज, मनी सर, और पूरा करियर स्टेक पे है कि सर सीए के अलावा और कुछ है नहीं हमारे पास, है ना। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड जो भी आपके मन में इस समय चल रहा है, जिस भी तरह की दुविधाएं आपके मन में आ रही हैं, प्लीज आप बस जुड़िए बच्चों जरा मेरे साथ। मतलब मुझे तो शायद आपको दोस्त बोलना चाहिए, दोस्तों मेरे साथ जुड़िए, रिलैक्स, काम डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डीप ब्रीथ लीजिए सर, रिलैक्स, जो हो गया वो हो गया, आपने जितना रोना था आप रो लिए, अगर नहीं रोए तो फूट फूट के रो, पहले बाहर निकाल लो सारा अपने अंदर से। Cry like anything सर, राइट है आपका रोना, हक है आपका रोना सर इस समय, लेकिन एक समय तक। अब हमें दोबारा से शुरू करना है, दोबारा से, और जल्दी से जल्दी सर। आप 10 दिन रहोगे, आपके 10 दिन वेस्ट होंगे, आप 1 दिन रहोगे, आपका 1 दिन वेस्ट होगा, आप 1 घंटा रहोगे, आपका 1 घंटा वेस्ट होगा। मुझे पता है सर आपके मन में क्या चल रहा होगा, भाई कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है सर, मैं भी तो करके आया हूं, अब पता नहीं कितने लोग करके पहुंचे हैं। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स सर। मेरा एक दोस्त था, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, वो पास हो गया, मैं रह गया, कोई बात नहीं सर। आईसीआई वाले सर स्लैशिंग करते हैं सर, मैं मान नहीं सकता मेरे पेपर में इतने नंबर आ जाते, मेरे को सर 20 नंबर दे दिए और मुझे लगता था सर मेरे 60 नंबर आने चाहिए। आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? नहीं ना, रिलैक्स, बिल्कुल एकदम शांत, एकदम बच्चों, रोना आ रहा है मैं बोल रहा हूं ना, रो लो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, चिल्ला चिल्ला के रो, जाओ मम्मी के पास जाके गले लगो और रो लो, जाओ पापा के पास, जाओ पैरों में बैठो और रो लो, रिलैक्स। लेकिन रोने के बाद चिल, एकदम ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें कि अब क्या हो सकता है, बिल्कुल एकदम शार्प, एकदम शांत माइंड से सोचें कि अब क्या हो सकता है। So, क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो से बनानी है, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, डोंट वरी एट ऑल। अभी मैं आपको कुछ टारगेट्स देना चाहता हूं, कुछ टारगेट्स
और साथ जुड़िएगा सर प्लीज, इस चैनल पे आप मेरे साथ हैं, इस कम्युनिटी के आप मेंबर हैं सर, आप लोगों का, आप लोगों के लिए सर ये सारी चीजें करता रहता हूं, दैट्स इट। तो साथ जुड़िएगा बच्चों। स्टेप वन, अगर आपने बोथ ग्रुप्स देने हैं या फर्स्ट ग्रुप देना है, तो पहले मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। देखिए सर, अगर आपने बोथ ग्रुप्स देने या सिर्फ फर्स्ट ग्रुप देना है, आज अभी राइट नाउ आपको पता क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज बच्चों जो आपको करनी चाहिए, दैट शुड बी कि आप सबसे पहले अपना एफआर, सर बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पिक कर लीजिए। मत सोचिए सर क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। लेट्स टेक अ टारगेट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैं 8 दिन में, 8 डेज में खत्म कर दूंगा, कैसे भी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 26 तारीख तक मुझे आपका एफआर खत्म चाहिए। अगर इसमें से एक दिन डिले होता है तो आप अपनी कब्रगाह दोबारा खोद रहे हैं। मैं बताऊंगा सर कैसे करना है, किस तरीके से, मुझे बस आप एक दिन का समय दीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कल एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं डिस्कस करूं क्यों फेल हुए, क्या दिक्कतें थी, कहां पे कमी थी, और फिर सर उसको देखेंगे। आज का बच्चों टारगेट आपका, पहले दिन का टारगेट 12 से 15 AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या व्हाट डू यू कॉल देम नाउअडेज, IND AS 12 से 15 Day 1। अब आप बच्चे नहीं हो, आप पहले पेपर दे चुके हो, जस्ट रिलैक्स। 12 से 15 AS कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन में 12 से 15 AS कंप्लीटेड। ये बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे कल कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, बट FR 8 दिन सर, 8 दिन अगर इससे ज्यादा आपने FR में लगाए ना, तो सर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा। कीप दिस इन माइंड, हम सबसे पहले FR उठा रहे हैं, 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। बोथ ग्रुप दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे वो बात का डिसीजन है, अगर आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सर, तब भी 8 दिन में FR आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नो लीनियंसी, इसी लीनियंसी ने मरवाया है सर कई लोगों को, इसी बाद में कर लूंगा, देख लेंगे, कर लेंगे, इसी एटीट्यूड ने मरवाया है सर। कोई लीनियंसी नहीं चाहिए सर किसी भी तरीके की, इज दैट क्लियर? नाउ सर, बिल्कुल फ्रेश शुरुआत, बिल्कुल फ्रेश शुरुआत। मैं कुछ बुक्स भी रेफर करूंगा आप लोगों को, डोंट वरी एट ऑल। आप बस अपनी अभी जो आपके पास FR की बुक्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो बुक्स हैं, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो वीडियोस आपके पास हैं, उन्हें जल्दी से इकट्ठा करके लाइए। अपना प्लान, आप अपना 8 दिन का प्लान खुद बनाओ, खुद 8 दिन का प्लान बनाओ कि सर फर्स्ट डे में 15 AS कर रहा हूँ, सेकेंड डे में 10 AS कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। और टोटल 8 दिन का प्लान बना के शेयर इट विद मी, सेंड इट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9810773113। Don't ask questions on that number. Don't ask anything on that number. Just send me your study schedule for FR in 8 days. Right? बहुत हो गया सर, इस बार क्लियर करेंगे ना? लेकिन क्लियर करेंगे कैसे सर? अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब, अगर आप लीनियंसी दिखाते रहेंगे, अगर आपने सिलेबस को फैला लिया तो नहीं होगा क्लियर। 8 days FR. Then हम सेकेंड सब्जेक्ट उठाएंगे सर, बिल्कुल सीरीज में चलेंगे सर। आपका सेकंड सब्जेक्ट जो भी है SFM पिक कर लीजिए, स्टार्टेड टाइम लिमिट सेट करो। स्टेप 3, जो भी आपका सर थर्ड सब्जेक्ट है उठा लो, स्टार्ट करो, टाइम लिमिट सेट करो। ऐसे करते करते सर वी शुड टेक अ टारगेट कि 1 महीने में वी शुड कंप्लीट अवर ग्रुप 1। बोथ ग्रुप देखेंगे क्या करना है, पहले मुझे आपका एक ग्रुप कंप्लीट चाहिए। और जो लोग सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं प्लीज जल्दी से जल्दी मैं सेकंड ग्रुप, आप भी इसी तरीके से 1 महीने में सर मुझे सेकंड ग्रुप कंप्लीट करके दीजिए। 1 महीने से अगर आप लेट करेंगे सर, फिर वही गलतियां, फिर वही दिक्कतें। 1 month एंड योर 1 ग्रुप शुड बी कंप्लीट, व्हाट एवर यू कॉल इट, शैल बी कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो सर बहुत हैवी पेनल्टीज है सर, याद रख लीजिएगा। सो 1 month फर्स्ट ग्रुप, स्टडी कैसे करनी मैं बताऊंगा सर, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है, ऐसा मैं देख पाया, मैंने देखा कि सर स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं स्टडी टेक्निक्स में प्रॉब्लम है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा सर मैंने किस तरह की चीजें देखी, एंड आई होप कि वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन, एंड एज आई ऑलवेज सेड,
पिक योर सेल्फ अप, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट अगेन, पिक योर सेल्फ अप एंड डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट अगेन। यही आपके एटीट्यूड की चेकिंग करता है सर आईसीआई, कि मिट्टी में मिलने के बाद दोबारा उठ पाते हो या नहीं। और अगर अब दोबारा उठ गए तो सर कोई गिराने वाला नहीं होगा, और गिरा भी देगा, गिरा दे भाई, दोबारा उठूंगा, रिलैक्स। दो अटेम्प्ट हो गए, तीन अटेम्प्ट हो गए, चार अटेम्प्ट हो गए, गलतियां तो ढूंढो अपनी, कहां पे कर रहे हो, सुधारो। वो कहते हैं ना सर, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है, मिलती नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उठो यार, ढूंढो, क्या ढूंढो ना अपनी मिस्टेक्स, होंगी मिस्टेक जरूर सर, कुछ तो दिक्कत रही होगी। इसी एग्जाम में लोगों के अच्छे नंबर भी आए हैं, कितना लक फैक्टर चल गया, कितना लक फैक्टर चल गया, चलो लक है, कितना लक है, राइट। फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, उनको जल्दी जल्दी इंप्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।